Hey guys, good morning. एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग. और आप देख सकते हैं वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है. लाइक रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था और अभी तक लाइट भी नहीं है. लाइक रात भर लाइट नहीं था और थोड़ा गर्मी भी लग रहा है और थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा भी लग रहा है ना मम्मी जी. कुछ समझ में नहीं आ रहा सच. और अभी बन रहा है ये कटहल का सब्जी और कटहल और आलू का सब्जी. इतना में तो हो ही जाएगा ना. बहुत है. और आलू भी चार वो उसमें से निकाल लेती हैं. छील दीजिए उसको. आओ किधर हो बक. इतना बहुत है. अपना ही ऊपर थे आलू उबाला हुआ आलू थोड़ा सा रख देते हैं. ठीक है चार वो रख दिए ज़्यादा हो जाएगा. देखिए ऊपर चटनी जब आओ करना था सब जाती है चटनी बनाना रखिए. तो उसमें चटनी बना ली. और यहाँ पे है ये क्या बोलते हैं उसको परोर. परोर घिवरा का सब्जी बनेगा. तो कुकर में थोड़ा सा आलू वाला धोए तो है फिर भी आलू वाला थोड़ा थोड़ा लगा हुआ किचकिच हो जाता. तेल रख दिए. नहीं धो दिए हैं. पोछ दे क्या उसको ये साइड साइड में पूछ दीजिए ना मम्मी जी थोड़ा सा. हम नहीं ऐसे करेंगे. कच कच हो जाता है. लीजिए इसको साइड से गोल गोल करके पूछ लीजिए तो थोड़ा हाथ घुसा के अच्छे से देख के जलवा कुछ में ढार. वैसे धो तो दिए हैं नहीं होना चाहिए. हो गया. यहाँ पे फ्राई हो रहा है कटहल. आप देख सकते हैं कटहल उबाल के भी ये होता है ना मम्मी जी. कटहल उबाल के भी बनता है ना. अगर कढ़ाई में बनाना रहा तब उबालते हैं ना. बच्चे से बनाई थी पता नहीं. हम तो ऐसे बनाते बिना उबाला हुआ फ्राई करके प्रेशर कुकर में. क्या ये तो ऐसे ही हो जाता है ना. जैसे बना रहे थे उबाला के दूसरे हो जाए. और आलू को ना दो ही भाग में डिवाइड किया. देखिए तो इससे ज्यादा तो ठीक नहीं रहेगा. सुनो ना ओकरा में टेंशन दो अथी कर रहा ना तो छेद कर दो आलू में. अच्छा ठीक छोटा छोटा. हाँ चाकू से. यहाँ पे हो रहा है आलू फ्राई. आलू को भी फ्राई करके डालती हूँ मैं आलू और कटहल दोनों. और ये हो गया आप देख सकते हैं. और ये है प्याज जो पड़ेगा कटहल और आलू की सब्जी में. और ये तो पड़ेगा घिवरा की सब्जी में. एंड दिस इज मिर्ची. और ये है लहसुन. और मिर्ची को मैं ऐसे क्रश मतलब कूट दी हूँ तो ज़्यादा अच्छा है. वो फ़ौरन के लिए है. ये फ़ौरन में डालेंगे. हाँ अच्छा टेस्ट आता है. वो थोड़ा सा लहसुन ये रहता है ना तो इसको तो फ़ौरन में रखेंगे. और फ़ौरन में जाएगा जीरा और तेज पत्ता बस. सो ये लहसुन का पेस्ट. इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर इतना हाफ स्पून. और गोलकी का पाउडर हाफ स्पून. और ये है चिकन मसाला हाफ स्पून. और हल्दी थोड़ा सा. और नमक तो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ प्याज में जो कि फ्राई हो रहा है देख सकते हैं. ये हो गया. अब इसमें मैं डालूँगी मसाला. वेदर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है और धूप भी अभी तक नहीं निकला है. और ये जो है वो मसाला फ्राई होगा. मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगी ताकि जो भी
ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, उससे पता चलता है कि हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। और इसको ढक के मैं बॉईल मतलब भूजती हूँ तो ज़्यादा बटर होता है, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। और बस इसमें जब ये हो जाएगा तब इसमें जाएगा आलू कटहल, और एक मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी, फिर थोड़ा सा पानी और फिर सीटी, दो सीटी मीडियम फ्लेम पे, और ये हो जाता है कटहल का सब्जी। सो ये है कटहल का सब्जी, आप देख सकते हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में देखते हैं, नमक वमक टेस्ट करना पड़ेगा। सो अभी टाइम हो रहा है लाइक 6:05 ही बजने वाला है, आई थॉट कि 6:30 होने वाला है, और लेट्स सी मम्मी जी क्या कर रही हैं, पेट वेट बना करके हम सोचे छत पे गई होंगी। खोलिए ना गेट, मम्मी जी, मम्मी जी, गेट बंद कर लिया उधर से, क्या करिए गेट तो खोल दीजिए, बहुत ज्यादा धूल है क्या, ओ गेहूँ फटक रही है, छत पे नहीं गई है, कहाँ बारिश आ रहा है, इतना धूप है, और अभी मैं जा रही हूँ ये खाने, दिस इज फ्राई किया हुआ क्या बोलते हैं बादाम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को इसलिए, और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा धूप गर्मी हो गया, लाइक धूप धूप काइंड ऑफ है, आप देख सकते हैं। मैं इसमें डालने के लिए रखती हूँ फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज करता है, ये है लीची, आजकल लीची का मौसम आ गया है इसलिए, ये है मैंगो, कौन सा मैंगो है ये पता नहीं, ये भी है मालदा लग रहा है, ये तो थोड़ा कच्चा है, ये ठीक है, और ये भी ये थोड़ा खराब लग रहा है, और क्या है, और ये है बस इतना छोटा सा है, अच्छा कोई नहीं, ये क्या है, इसमें तो नींबू लग रहा है, और दिस इज तरबूज, मेरा फेवरेट, इसको भी रख देती हूँ थोड़ा सा, ताकि इसका जो भी ये है ना वो निकल जाएगा, नीचे में थोड़ा बहुत गर्मी होता है, आई गेस पापा जी बोल रहे हैं कि इसको रख दो पानी में, फिर खाएंगे थोड़ा देर बाद, 10 मिनट बाद।